पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उनके साथ शिक्षा मित्र संघ के उन्नाव जिलाध्यक्ष सुधाकर तिवारी भी उपस्थित थे। इसके साथ ही उन्होंने प्रताप सिंह बघेल, जो निदेशक हैं, महानिदेशक कंचन वर्मा, एसएससी के मानदेय पटल प्रभारी सुनील पटेल से भी मुलाकात की। शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि नवंबर माह की लिमिट जारी हो चुकी है और डीजी महोदय ने कुछ समस्याओं को जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मानता हूं कि यह विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का है और जब तक उनका आशीर्वाद सानिध्य नहीं प्राप्त होगा तब तक अधिकारीगण पूरी तरह से उनको जारी नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी जल्द ही माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश खन्ना से मुलाकात हुई है। इसके साथ ही मुरादाबाद में कुछ शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपना पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि शीघ्र ही हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान मिस्त्री के विधायक रामकृष्ण भार्गव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, जिनसे मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम शीघ्र शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे और हर स्तर से शिक्षा मित्रों की समस्या के समाधान के लिए शिक्षा मित्र संघ लगा हुआ है। उन्होंने शिक्षा मित्रों से संयम रखने की भी अपील की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ मुद्दों पर निर्णय शीतकालीन अवकाश के दौरान या उसके बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक 15 दिसंबर को लखनऊ में होगी, जिसमें सभी पदाधिकारी और जनपद के अध्यक्ष अगली रणनीति पर विचार करेंगे। इसके साथ उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से ईमानदारी से संघर्षरत हैं और जल्द ही शिक्षा मित्रों को खुशखबरी मिलने की प्रबल संभावना है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार।